ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड फ्रैक्शन, जिसमें से हमारा वर्कशीट 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया है। ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 6 कॉमन फैक्टर, फैक्टर फाइंड करना है। जैसे हम लोग को पता है कि 6 का फैक्टर क्या है, 1 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है 6, 2, 3 जा 6, तो माइनस करते हैं तो 0 आता है। रिमाइंडर जिसका भी 0 आता है तो वही होता है फैक्टर, यानी कि 2 से हम लोग 6 को डिवाइड करें और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 3 बोथ आर फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 भी है फैक्टर 6 का और 3 भी है फैक्टर 6 का, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 6 का फैक्टर क्या है, 1 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 6, 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं और 6 से उसके बाद नहीं लिखते हैं। वैसे ही हम लोग को इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब 10 का फैक्टर क्या है, 1 और 10 तो होगा ही, और 10 किससे डिवाइड होता है, 2 से, 2, 5 जा 10 और 5 से, और उससे नहीं होता है किसी से भी। 15 वैसे ही 1 और 15 के बीच 3 से डिवाइड होता है, 15 और 5 से। कॉमन क्या क्या है इसमें, 1 है और कॉमन क्या है, 5 है, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 इज 1 एंड 5। वैसे ही सेम 5, 10 और 25 का लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 से 5 के बीच, तो 1 और 5 ही है 5 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2, 5 जा 10, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5, 2 जा 10 और 10 से, उसके बाद नहीं लिखते हैं। फिर 25 का 1 से 25 के बीच क्या है, 5 है, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होगा 25 से भी डिवाइड होगा 25 और एक नंबर क्या है, 5 है, तो कॉमन इसमें क्या आया, 1 आया और 5 आया, तो यहां लिख देंगे 1 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 25। ठीक है, सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी है। इसमें 12 और 18 का फैक्टर क्या है, 1 है और 12 है, और 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 से भी। वैसे ही 18 जो है वो 2 से डिवाइड होता है 3 से और 6 से, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो 12 और 18 का कॉमन क्या है, जो दोनों में ही सेम सेम है, 1 दोनों में ही है, 2 दोनों में ही है, 3 दोनों में है और 6 दोनों में है, तो 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। वैसे 21 और 31, 1 से 21 डिवाइड होगा और 21 से, और 3 से भी 21 डिवाइड होता है, 3, 7 जा 21 और 7, 3 जा 21। 30 में भी 1 और 30 के बीच में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से देख लो डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2, 1 जा 2 और हो जाएगा आप लोगों का 2, 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, यानी कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 एंड 15 बोथ आर फैक्टर ऑफ 30, तो 2 और 15 दोनों ही फैक्टर है 30 का। 3 से भी डिवाइड होता है, 3, 10 जा 30, तो 3 से डिवाइड हुआ 10 आया, तो यानी कि 10 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, और 6 से भी डिवाइड होता है, 6, 5 जा 30 और 10, 3 जा 30 होता है, 15, 2 जा 30 होता है और 31 जा 13। इसमें कॉमन क्या है, 1 है, 3 है और कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 21 एंड 30, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन मतलब कि दोनों में ही सेम नंबर हो जो। अब 9, 24 और 27, मतलब 1 और 9 के बीच कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 से 9 डिवाइड होगा और कोई नंबर नहीं है। 24 में 1 और 24 तो होगा ही, बीच में कौन सा नंबर है, 2, 3, 4, 6 एंड 12, जिसको हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। वैसे ही 27 में भी 1 और 27 होगा, और 27 और किससे किससे डिवाइड होगा, 1 और 27 के बीच में 3 और 9 से, बस उससे किसी से भी नहीं होगा। तो कॉमन क्या है इसमें, 1 है, हर नंबर का कॉमन 1 होगा ही, ठीक है, 1 है और क्या है, 3 है बस, और हाँ 9 इसमें 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 नहीं है, इसलिए 1 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 9, 24 एंड 27। वैसे ही 14, 17 और 22 का भी लिख लेंगे, 14 1 और 14 तो होगा ही, 14 2 से डिवाइड होता है और 7 से, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरा पूरा जिसमें रिमाइंडर 0 आए। वैसे ही 17 1 के टेबल में आता है और 17 से ही डिवाइड होगा, 22 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 11 से और 22 से, तो इसमें कॉमन क्या आया, 1 आया और कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। इसका हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है, जैसे एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले थे, अब इसमें हाईएस्ट निकालेंगे। तो इसका पहले हम लोग को 20 और 30 का क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर, फिर जो हाईएस्ट होगा वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ में H4 होता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट हो गया, C4 होता है कॉमन, है ना, COMMON कॉमन, और F4 होता है फैक्टर। जैसे हम लोग एलसीएम पढ़े थे प्रीवियस वर्कशीट, वर्कशीट नंबर कौन सा था वो, वर्कशीट नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे ये वाला। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे कि दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 20 एंड 30, तो सबसे पहले हम लोग 20 का फैक्टर लिख देंगे और 30 का फैक्टर, जैसे हम लोग इसमें किए हैं फैक्टर ऑफ 14, फैक्टर ऑफ 17 ऐसे लिखते थे, वैसे ही यहां पर भी हम लोग लिख देंगे
फैक्टर ऑफ 20 एंड फैक्टर ऑफ 30। इसका हम लोग फैक्टर लिख देंगे, तो पहले 1 और 20 के बीच ही लिखना है और इसको 1 और 30 के बीच ही लिखना है, ठीक है। तो हम लोग का 20 ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिससे पूरा जीरो, मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो आए। तो सबसे पहले तो 2 है, 2 से हम लोग 20 डिवाइड करते हैं, तो 2 10 जा 20, जीरो आया, यानी कि 20 जो फैक्टर 2 एंड 10 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 20, तो 2 और 10 दोनों है, ठीक है, और 2 और 10 दोनों है, 10 को लास्ट में लिखेंगे। 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 जा 20, 5 से भी होगा, 5 4 जा 20, देखो 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20, यानी कि 4 एंड 5 बोथ, इसलिए 4 और 5 लिख दिया। अभी 10 को इसलिए नहीं लिखी हूं क्योंकि अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। 6 से तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8 9 10 से होगा, देखो 10 से भी हुआ ना, 2 10 जा 20, अभी 10 लिख दी। अब उसके बाद किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 20 होगा, ठीक है। वैसे ही 30, 2 से तो होगा ही, जिसके भी लास्ट में जीरो रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। 2 से होगा, 3 से भी होगा, 3 10 जा 20, 3 से होगा, ठीक है। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 6 से भी होगा डिवाइड, पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा जब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। 7 से नहीं होगा, 8 9 10, 10 से होगा, 10 3 जा 30, 11 12 13 14 15, 15 से होगा, 15 2 जा 30, और किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट अब होगा उसके बाद 30 से। अब उसके बाद हम लोग को इसमें कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर लिखेंगे अब, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस नंबर में कर रहे थे ना, एफ ई ये सब में, वैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। इसमें कॉमन क्या है देखो, एक तो दोनों में 1 है, दोनों में ही 2 है, और दोनों में क्या है, 5 है और 10 है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 1, 2, 5 एंड 10, ये कॉमन है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला था, HCF। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, 10 है, यानी कि 20 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, 10। और इसी क्वेश्चन का एक और मेथड बता देती हूँ, ये फर्स्ट मेथड हो गया, इसको लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड। अब इसी का एक सेकंड मेथड बता देती हूँ, वो बहुत इजी है, जल्दी बन जाएगा आप लोग से, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर HCF निकालना है तो सेकंड मेथड ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट याद रखोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि हम लोग को हाईएस्ट नंबर को चुनना है, चूज करना है, और LCM में मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो ये 20 और 30 का HCF निकालने का एक ये तरीका हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड एक और देख लेते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग उसको बना सकते हैं। तो 20 का पहले निकाल लेंगे और यहां 30 का, ठीक है। अब 20 को हम लोग सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो रफ साइड आप लोग कर सकते हो, जैसे मैं 20 को डिवाइड की किससे, 2 से, तो 2 1 जा 2 किए, फिर 0 आ गया, 2 0 जा 0, तो देखो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 डिवाइजर को यहां लिखेंगे और कोसेंट को उसके नीचे, समझ गए। 2 10 जा 20 हुआ, अब ये 10 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, फिर से हम लोग 2 को 10 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आया। डिवाइजर को देखो यहां लिखेंगे हमेशा, और जो आंसर आएगा कोसेंट उसको यहां। अब 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, 5 1 जा 5, जब तक सॉल्व करना है जब तक 1 ना आए, तो 1 आ गया, अब रुक जाएंगे, अब इधर आ जाते हैं। 32 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, देखो 30 को 2 से डिवाइड करके दिखा देती हूं मैं, 2 1 जा 2 किए, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 0 आ गया नीचे, 2 5 जा 10, 10 और 10 माइनस हुआ तो 0 आया, यानी कि 15 आया इसका कोशेंट, आंसर आया। जब हम लोग 2 को 30 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 15। अब 3 से डिवाइड होगा ना, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो 1 आ गया तो हम लोग अब रुक जाएंगे। अब 20 का फैक्टर क्या क्या है, इस साइड वाला को लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 को भी लिख देते हैं, 30 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, यही आया है फैक्टर। 20 का जो भी फैक्टर था उसको लिख दिए और 30 का जो भी फैक्टर था उसको लिख दिए, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन देख लेंगे, ये 2 है कॉमन और 5 है कॉमन, 2 और 5 ही बस कॉमन है, तो यहां लिख देंगे कॉमन क्या क्या निकला हमारा, 2 कॉमन निकला, उसको एक बार लिखेंगे, दो दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि पेयर में एक बार लिखते हैं, इसमें भी 5 आया इसलिए एक बार लिखेंगे, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 20 और 30 का जो HCF आया वो 10 है, और इसमें भी देखो 10 ही आया, ठीक है।
इस मेथड से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जो आप लोगों को इजी लगा इस मेथड से बनाना चाहो तो इस मेथड से बना लो, इस मेथड से बनाना चाहो तो इस मेथड से, ठीक है। तो ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी में दिया हुआ है 19 and 38। तो फर्स्ट मेथड आप लोगों को बता देती हूं मैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर ऑफ 19 लिख लेंगे और यहां लिख देंगे फैक्टर ऑफ 38। यहां लिख लेना आप लोग, ऐसे यहां से देख के लिख सकते हो ना, फैक्टर ऑफ 19 और यहां से लिख के लिख लेना फैक्टर ऑफ 38। तो 1 से 19 के बीच में कौन कौन सा फैक्टर आएगा और ये 1 से 38 के बीच में। तो 19 तो सिर्फ 1 और 19 के टेबल में ही आता है, इसलिए यहां 19 ही लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट के लिए मैं यहां 19 लिख दी हूं। अब 38 तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करके मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूं 38 को। 2 1 जा 2 और कैरी, सॉरी 8 नीचे आ गया, 2 9 जा 18। देखो रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 2 का फैक्टर है 38, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। और 19 से भी 38 डिवाइड होगा, 19 2 जा 38 होता है, तो 19 से भी होगा, है ना। उसको लिखेंगे पहले और बीच का नंबर देख लेते हैं। 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा कि डिवाइड, 4 6 जा 36 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किसी से नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट किससे होगा, 19 से और 38 से, ठीक है। तो 2 और 19 से 38 डिवाइड होता है, और 38 और 1 से हम लोग क्या देखें, इसमें सिर्फ 19 का ही कॉमन बन रहा है। तो हम लोग लिख देंगे पहले तो कॉमन फैक्टर ऑफ 19 एंड 38 क्या आया, 19 एंड उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 and 19 आया, तो लिख देंगे 1 and 19। हम लोग HCF निकाल रहे हैं तो HCF में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिखते हैं, तो इन नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 19, तो 19 आंसर हो गया। अब इसी को सेकंड मेथड से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड मेथड से पहले 19 का निकाल लेंगे और फिर 38 का। तो 19 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 से भी नहीं, किसी से भी नहीं होगा, 19 डिवाइड सिर्फ 19 से होगा, 19 1 जा 19, 1 आ गया, अब छोड़ देंगे, ठीक है। अब 38 साइड, ये तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 के टेबल में 8 आता है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा, देखो 38 को मैं 2 से हर साइड में डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 2 1 जा 2। प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को ऐसे साइड में करना नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट यही कर सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2 किए तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आया, 8 आ गया नीचे, 2 9 जा 18। देखो रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 19 आया कोशेंट जब हम लोग 2 से डिवाइड किए, तो 2 है डिवाइजर जिसको हम लोग यहां लिखना है और आंसर को यहां लिखना है, ठीक है। अब 19 तो सिर्फ 19 के टेबल में आता है, 19 1 जा 19। अब 1 आ गया तो अब रुक जाएंगे, अब लिख देंगे फैक्टर ऑफ 19 एंड फैक्टर ऑफ 38। तो 19 का फैक्टर क्या आया है, 19 और 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। और 38 का क्या आया है, 2 into 19 into 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया है, ठीक है, यहां लिख देंगे हम लोग। अब डायरेक्ट हम लोग HCF लिख देते हैं, HCF निकाल रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 19 and 38 इज क्या आया, 19, क्योंकि 19 ही बस पेयर बन रहा है और 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 19 ही है, है ना। तो चलो 1 भी बन रहा है इसलिए 1 को भी बना देते हैं। तो कॉमन क्या आया है, 1 और 19, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 19, यानी कि HCF हमारा आंसर क्या आया, 19 आया, ठीक है। इस मेथड से भी आंसर 19 आया और इस मेथड से भी आंसर 19 आया। तो जो भी मेथड आप लोगों को आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, आप लोग उसी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। इसमें क्या दिया है, 16 and 28। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड बना लेते हैं, पहले लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 16 एंड फैक्टर ऑफ 28। तो 16 तो 1 और 16 के बीच लिख लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 से होगा ना, 8 2 जा 16 होता है, 9 9 से नहीं होगा, 9 के टेबल में 16 नहीं आता है, 10 11 12 12 में भी नहीं, 13 14 15 किसी में नहीं होगा, डायरेक्ट 16। अब ये 28 1 से और 28 के बीच में लिख लेंगे, 8 है लास्ट में तो 2 से 2 डिवाइड होगा ही, 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 7 जा 21 होता है, और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 नहीं होता है, 4 से होता है, 4 7 जा 28, 6 से भी नहीं होता है, और 7 से होता है, 7 4 जा 28, है ना, 8 से भी नहीं होता है, और 9 10 11 12 13, हाँ 14 से होता है, 14 2 जा 28, उसका डायरेक्ट 28 से। अब हम लोग इसमें लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड, तो यहां लिख लेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 28। 16 और 28 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो एक तो 1 है ना, और 2 है दोनों में ही, 4 भी है, बस इतना ही है,
और तो नहीं है कॉमन, ठीक है देखो 8 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है, तो हम लोग कॉमन फैक्टर क्या क्या आया, 16 एंड 28 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, 2 और 4, जिसका जिसका पेयर बना उसको एक एक बार लिख देते हैं। तो HCF क्या आ जाएगा 16 एंड 28 का, HCF ऑफ 16 एंड 28 इज, हाईएस्ट को लिखते हैं HCF में, तो 4 होगा इसका HCF, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डी नंबर देख लेते हैं, है ना। अच्छा इसका मैं एक और मेथड बता देती हूँ, पहले फर्स्ट मेथड तो बताई, इसी का सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। सेकंड मेथड में वही 16 का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 28 का, है ना। तो 16 तो सबसे पहले 2 से कर रहा, अगर हो रहा है तो, नहीं होगा तो 3 से, उससे भी नहीं होगा तो 4 से, ऐसे कर रहा। ये तो 2 से होगा, 2 जा 16 होता है, ये भी 2 से होगा, 2 4 8 होता है। देखो 2 से डिवाइड करी, उसके आंसर को यहाँ लिखते जा रहे हैं ना। जैसे देखो 2 को 16 से डिवाइड किए, 2 जा 16, 0 आया, इस 8 को यहाँ लिखे और जिसे डिवाइड किया उसको ऊपर, समझ है। 2 जा 4 हो गया, 2 जा 2 आया, अब रुक जाएंगे। अब इसको भी 8 है लास्ट में, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, क्योंकि 7 7 के टेबल में ही आता है। अब 16 का फैक्टर को और 28 का फैक्टर को लिख देंगे, क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 है लास्ट में, वैसे ही इसको भी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या आया, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 28 क्या आया कॉमन फैक्टर, एक तो 2 है और एक 2 है, बस इतना ही है, और एक 1 है, तो 1 का उतना कोई नेसेसिटी नहीं है कि करना ही है। तो इसको 2 एक बार आया है तो लिख देंगे, फिर इसका 2 और एक बार 1, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, ठीक है। सॉरी 2 2 जा 4 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो रहा है, क्योंकि दो दो बार 2 है इसीलिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4। HCF क्या आ रहा है इसका, 4 आ रहा है। वैसे यहाँ भी HCF हमारा क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या दिया है, 25 एंड 35। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हम लोग फैक्टर ऑफ 25 लिखेंगे और फैक्टर ऑफ 35, तो 1 और 25 के बीच लिखेंगे। 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 4 5 से होगा, 5 5 जा 25, और किसी से नहीं डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 7 से भी डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट 35 से। अब हम लोग लिख देंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35। कॉमन फैक्टर इसका क्या क्या आया, एक तो 1 है, एक 5 है, तो 1 एंड 5। अब लिख देंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5, 5 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी का एक सेकंड मेथड फिर से देख लेते हैं, 25 एंड 35 का सेकंड मेथड में HCF निकाल लेंगे इसका और इसका, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 25, 5 1 जा 5, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 1 आता है तो रुक जाते हैं। अब फैक्टर ऑफ 25 और फैक्टर ऑफ 35 को लिख देंगे, इसका क्या आया है, 5 इंटू 5 इंटू 1, और 35 का क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 1। अब हम लोग इसको कॉमन निकाल देंगे, तो दोनों में ही 5 है और दोनों में 1 है, तो हम लोग लिख देंगे HCF ऑफ, सॉरी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 का क्या आया कॉमन फैक्टर, 5 इंटू 1, यानी कि HCF क्या आया, 5 1 जा 5, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई, फटाफट देख लेते हैं। ई नंबर में दिया है हमारा क्वेश्चन 10, 16 एंड 23। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड बता देती हूँ मैं, फैक्टर ऑफ 10 लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 16 लिखेंगे और फैक्टर ऑफ 28 लिखेंगे। तो 10 का 1 और 10 के बीच में किसका, 1 और 10 तो लिखना ही पड़ेगा हर में, है ना, 1 लिखेंगे और जो भी दिया होगा वो लिखेंगे। तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10, और किसी के टेबल में नहीं आता है, डायरेक्ट 10 में आता है। 16 2 के टेबल में आता है, 1 से 16 के बीच, 2 8 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, है ना, और 16 1 जा 16। वैसे ही यहाँ 8 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा ही, यानी कि 2 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, हाँ 4 से होगा, 4 7 जा 28, है ना, 7 से होगा, 7 4 जा 28, और किससे होगा, किसी से नहीं होगा, और है ना, 14 से होगा, 14 2 जा 28, और यहाँ लिख देंगे 28। देखो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम होता है, सोचना पड़ता है, और ये सेकंड मेथड में हम लोग को सोचना ही नहीं है, बस डिवाइड करना है ना। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ, अब कॉमन सिर्फ देख रहे हैं, 10 16 एंड 28 का कॉमन फैक्टर क्या क्या आया है, एक तो 1 है तीनों में ही, 2 भी है तीनों में ही, और 5 और किसी और कुछ नहीं है। तो हम लोग का HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 10 16 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 एंड 2, जिसमें जिसमें से हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है,
है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग, कॉमन फैक्टर इसका सॉरी मैं यहाँ लिखने भूल गई हूँ, 10, 16 और 28 का कॉमन क्या आया, 1 एंड 2 आया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, ओनली 2, हाईएस्ट तो 2 है ना। अब इसी का सेकंड मेथड देख लेते हैं, पहले 10 का निकालेंगे, फिर 16 का, फिर 28 का। तो 10 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 आ गया, रुक जाएंगे, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 1 आ गया, रुक जाएंगे। अब फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब यहाँ 10 का फैक्टर लिख देंगे, 16 का फैक्टर लिख देंगे और 28 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या है, 2 into 5 into 1, 16 का फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 into 1, 28 का फैक्टर क्या आया है, 2 into 2 into 7 into 1। अब हम लोग इसमें कॉमन निकाल देंगे, कॉमन दोनों तीनों में ही 2 है और 1 है, तो हम लोग का हम लोग लिख सकते हैं अब यहाँ पास डायरेक्ट, कॉमन कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 16 एंड 28, कॉमन क्या आया, ओनली 2 एंड 1, तो HCF क्या आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ लिख देंगे 2 1 जा 2, ठीक है। देखो इस मेथड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, छांटते हैं, चूज करते हैं कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसको लिख देते हैं, और इस मेथड में जो भी कॉमन निकले रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 किया है, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड तो यही वाला है, इसमें सोचना पड़ता है कि कौन कौन सा फैक्टर है, और इसमें बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते जाना है ना। अब देखो हमारा डी ई नंबर कंप्लीट हो गया, अब देख लेते हैं जल्दी से एफ नंबर। एफ नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20, 30 एंड 40। तो मैं डायरेक्ट इसी मेथड से बताती हूँ, सेकंड मेथड से ज्यादा इजी है, इस मेथड को तो आप लोग खुद सोच सोच के बना सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो कमेंट करना, तो ताकि मैं इसको फर्स्ट मेथड से भी बता दूं, ठीक है। तो सेकंड मेथड में मैं आप लोगों को बताई हूँ, 20 का फिर 30 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 40 का, तो लास्ट में 0 है यानी कि 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 1 आया, रुक जाएंगे, अभी इधर आ जाते हैं, फिर 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, देखो 30 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 1 आया 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आया, इस 15 को यहाँ लिख दिया, 2 से डिवाइड किए, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब फैक्टर ऑफ 20, 30 एंड 40 लिख देंगे, 20 का फैक्टर क्या आया है, 2 2 इंटू 5 इंटू 1, 30 का फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 40 का फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब सर्कल लगा देंगे, जो तीनों में ही कॉमन होगा, 2 कॉमन है और इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, और 1 कॉमन है, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 30 एंड 40 क्या आया, 2 इंटू 1 आया है ना, 1 भी है क्योंकि, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं HCF क्या आया हमारा, 2 1 जा 2 आया HCF, ठीक है। अच्छा यहाँ बस एक कॉमन और दिख रहा है 5, तो मैं 5 को तो भूल ही गई थी लिखने, यहाँ 5 भी होगा यानी कि 5 2 जा 10 आएगा इसका HCF, ठीक है, 5 भूल गई थी ना मैं लिखने। अब F हो गया कंप्लीट, अब हम लोग देख लेते हैं जी नंबर। जी नंबर में हम लोग को कॉमन किस HCF निकालना है, 9 12 एंड 15 का, तो सेकंड मेथड से बनाते हैं, 9 का 12 का और 15 का, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3, 12 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 9 12 और 15 का लिख देंगे फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 1, 12 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 15 का क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें देखो इसमें बीच वाले में 2 है सिर्फ, बाकी में तो है ही नहीं, यानी कि ओनली 1 आ रहा है इसका कॉमन, किसी में कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है, तो लिख देंगे HCF क्या आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। जी नंबर का HCF क्या आया हमारा, 19 12 और 15 का HCF क्या आया, 1 आया। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी यहाँ मैं देख रही हूँ, 2 6 जा 12 होगा है ना, मैं गलत कर दी थी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में ही 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि इसका कॉमन तो 3 आएगा, हाईएस्ट नंबर तो 3 है, 3 इंटू 1 यानी कि 3 1 जा 3 होगा इसका HCF। जी नंबर कंप्लीट हो गया हमारा, अब देख लेते हैं जल्दी से H नंबर, 12 16 एंड 20, ठीक है। तो 12 का पहले निकालेंगे, फिर 16 का, फिर 20 का, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, वैसे 16 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब फैक्टर लिख देंगे हम लोग 12 16 और 20 का, तो 12 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1,
वैसे इसका 2 8 16, एक बार चेक कर लेती हूँ, गलत हो जा रहा है, 2 8 16 2 4, हाँ ठीक है, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1, इसका कॉमन क्या आया, 2 × 2 × 5 × 1, तीनों में ही 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, यानी कि 12 16 और 20 का जो कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 1, क्योंकि 1 भी है ना, तो HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा इसका, 2 2 जा 4 × 1, 4 1 जा 4, यानी कि HCF हमारा क्या आया, 4। तो हम लोग H नंबर तक पढ़ चुके हैं, अब I J K, ये आप लोगों का होमवर्क है, I J और K, ठीक है, तो I I J और K ये आप लोगों का होमवर्क है, बनाइए, ताकि मैं, अगर ये वाला आप लोग से नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, तो मैं जब आप लोगों को वर्कशीट 7 बताऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को इसको बता दूंगी, ठीक है, कमेंट करिएगा।